नमकीन सर सीम हियर, दिस मी सेरेश, दिस मी अनमोल, दिस इज मी सारा। सो आज हम क्या कर रहे हैं अनमोल? हम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ने जो है ना एक वो किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ था, तो उसके ऊपर वीडियो है। सो ये वीडियो 2015 की है, 2015 की नहीं 15 की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 11 मई 1998, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 7 रेसकोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पहुंचे और उसी दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. 13 तारीख को दो और न्यूक्लियर बम फटे, दो और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, कुल मिलाकर 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए, मतलब 5 न्यूक्लियर बम जमीन के नीचे फटे। सभी को सफल कहा गया और उसके बाद हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस न्यूक्लियर बम की कितनी पावर थी, इसमें कितनी ऊर्जा थी, कितनी एनर्जी थी, और उस सब का प्रूफ दुनिया के सामने रखा। DRDO और DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strength in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. बॉम्ब का टेस्ट करने वाला है, इसकी जानकारी दुनिया के किसी भी देश को नहीं थी। भारत एटॉमिक टेस्ट न करे, इसके लिए अमेरिका सख्त निगरानी रखता था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के अलावा किसी भी देश को एटम बॉम्ब बनाने से रोकता रहा था। ऐसी किसी भी कोशिश पर अमेरिका और उसके साझेदार देश सख्त कदम उठाते रहे थे, लेकिन वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ एटम बॉम्ब टेस्ट किया बल्कि खुद को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या एटम बॉम्ब से लैस देश भी घोषित कर दिया। परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। 18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदंबरम से उनकी दूसरी मुलाकात शपथ लेने के 2 दिन बाद हुई।
इस बैठक में कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताया, जबकि चिदंबरम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वाजपेयी ने 20 मार्च की अहम बैठक में तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी थी। इसी बीच 28 मार्च को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे। अब हालात बदल चुके थे, वाजपेयी के पास बहुमत था। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी करने में कलाम साहब आपको कितना समय लगेगा? अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो 30वें दिन हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब 10 मई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए और ब्रजेश मिश्रा जी के संपर्क में रहकर टेस्ट की डेट भी फाइनल कर दीजिए। अगले दिन वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के साथ मीटिंग हुई। पहले 10 मई को टेस्ट करने का प्लान था, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे। 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आर चिदंबरम की बेटी की शादी होने वाली थी और अपनी बेटी की शादी में चिदंबरम की गैर मौजूदगी से लोगों को शक हो सकता था। सोच विचार कर 11 मई की तारीख तय हुई। ये दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का था और इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एटम बॉम्ब के विस्फोट का फैसला आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक था और ऑपरेशन शक्ति हमेशा के लिए दुनिया में भारत के पोजीशन को बदलने वाला था। एनी डिसीजन टू टेक अ टेस्ट इज अ ह्यूज ह्यूज स्टेप व्हिच इज बोथ स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल। वाजपेयी जी डेमोंस्ट्रेटेड दैट डिसाइसिवनेस, दैट इज हिज ग्रेटनेस। That given all the options, many people would have pulled back. Narasimha Ji thought, and he said, I don't want to do it. There have been many prime ministers like that. Mrs. Gandhi thought. Second time, she didn't want to do the test in 1981, 82, when we had it ready. She was to do a test. Rajiv Gandhi, when he became prime minister, he thought, but he said, the most important thing is weaponization. Pradhan Mantri Atal Bihari Vajpayee ne bada faisla le liya tha. अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को इस फैसले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर APJ अब्दुल कलाम और एटमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कलाम के सहयोगी रहे DRDO के डॉक्टर संथानम को टेस्ट साइट प्रिपरेशन यानी पोकरण में परीक्षण की जगह की तैयारी का जिम्मा दिया गया। प्रधानमंत्री की इजाजत मिलने के बाद बड़ी सतर्कता से काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट की वजह से रात में ही काम करना पाता था। The plan was how can we beat the satellite, keep it secret, and if you sent word around that you were doing it, that means the army comes, everybody comes, you know, India, everyone talks. So I think one of the greatest credits is how you kept that whole test secret. And the way they did it was that they had code words for everything. So when they made phone conversations, they would never say this is the test site. They would say this is White House, this is the Taj Mahal, this was this, so that the code words would never be detected by the others. They did all the work in the night, and it is the most difficult thing to do because in the desert the breeze blows and these sands align themselves according to the wind. So if you dug something up, that will show up straight away like a big gash, like a wound in the earth. So what they did was that every night they'd work. They would then in the morning, early morning, before the satellite could see what was happening, they would cover the sand and align it according to that and put the bush where it was.
ऑपरेशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिक कभी भी एक साथ सफर नहीं करते थे। वो कभी भी सीधे पोखरण नहीं आते थे। वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कलाम और चिदंबरम दिखाई दे रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों के कोड नेम थे मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम इसी नाम से जाने जाते थे, जबकि आर चिदंबरम का कोड नेम था नटराज। दोनों आर्मी की यूनिफॉर्म में रहते थे। The idea was that it was an army range. If there was a huge influx of civilian people, a lot of civilian people came in there, immediately the satellite would pick up and know that there is more people that is there. So they all wore army uniforms. So when they came in, they looked like army people. The satellite was not able to do it. Pokhran mein hi tainat sena ki 58 engineer regiment ki madad se aakhirkar 10 mai tak puri taiyari kar li gayi. Ab विस्फोट का इंतजार था। टेस्ट का क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं, अभी हवा का रुख दूसरे गांव की तरफ है। साइंटिस्ट लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत एक है कि अगर ऐसे में कोई पशु कोई जानवर अगर टेस्ट साइट पर चला गया तो कलाम साहब ऐसे आदमी हैं कि एक जानवर की मौत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे उसे। हेलो, हाँ ठीक है, टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड, न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे। ठीक 3:45 पर टेस्ट हुए। अटल जी, सचमुच आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 13 मई को दो और टेस्ट हुए। इस टेस्ट के बाद भारत सरकार ने आगे एटम बम परीक्षण नहीं करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, किसी भी हाल में एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। कुछ करने नहीं दे रहे थे कि वो लोग टेस्ट वेस्ट ना करे, ऐसा कुछ ना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है लोगों का। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग एक्सपेरिमेंट रात में करते हैं, ठीक है, तो बताया गया अभी क्यों करते हैं, क्योंकि सैंड हो गई ये सब चीजें जो कवर हो जाए उसी वक्त ही, और है ना ये सब चीजें रात में करें तो बेहतर है।
और एक और चीज बहुत चली कि जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है कि चलो इंसानों का तो ठीक है वो चलते बड़े दिखते हैं पर जानवर जो है क्या उसका भी ख्याल रखो बिकॉज उनकी गलती नहीं है कि वो घूम रहे ठीक है तो ये चीज है कि उनका भी ख्याल रखा जा रहा है तो ये टेस्ट हो रहा है तो यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि हाँ यार कि मतलब सेफ होता है कि यार नहीं मतलब टेस्ट भी कर रहे थे साथ साथ में वो लोग चीजों का भी ख्याल रख रहे हैं ख्याल रख रहे हैं बाकी जो इन दी एंड जो एक सक्सेस की जो स्माइल जो थी ना कि मुझे हक था कि यार हो गया सक्सेसफुल हो गया तो वो डेफिनेटली हर किसी के फेस में नजर आती है जब वो कोई काम नहीं सक्सेस हो जाते और वो फिर बहुत प्राउडली कहते हैं कि यार मैंने हमने कर दिखाया ये चीज तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वीडियो में एंड बस यही था यार जबरदस्त यस तो गाइस अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो हमको नहीं पता हो पुरानी भी हो डजंट मैटर आप हमें ज़रूर रिक्वेस्ट करें हम ज़रूर हम आपके एक्सेप्ट करेंगे साथ साथ हम लिंक भी आप दे सकते हो ताकि हमें डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करें तो पहुंच जाएगी हमारे पास वीडियोस सो गाइस हमारे चैनल को आप लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।